हम स्टूडेंट के साथ में खड़े हैं, हम लोग खुद छात्र हैं, हमारे सुप्रीम है वो खुद छात्र हैं, हमसे अच्छा कोई इन चीज़ों को नहीं जान सकता, उस चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं। हम एक बाउंड्री झारखंड के चारों तरफ एक बाउंड्री डालना चाहते हैं जिससे यहाँ के स्टूडेंट होंगे, जैसे अभी 6.5-7.5 लाख स्टूडेंट आ गए हैं, अगर 60-40 नियोजन नीति नहीं होता, 90-10 होता तो इतना इंटरेस्ट लेता भी नहीं, और झारखंडियों के पास स्टूडेंट के पास उतना पैसा नहीं है कि 25 लाख-20 लाख में कोई सीट खरीदता। झारखंड के लोग नहीं खरीदते हैं, बिल्कुल नहीं, झारखंड के माटी पुत्र को खरीदने के लिए इतने पैसा नहीं है आपके पास, क्या हो सकता है, क्या मेरे घर में ये 25 लाख रुपया निकलेगा क्या? तो वो मेहनती लड़के विश्वास करके पिछले 10 साल से मेहनत कर रहे हैं और उस सीट को लेने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये एक दिन में पढ़ने वाला खोट्ठा का पेपर समझ रहे हैं, खोट्ठा का पेपर पटना मिल रहा है, आसनसोल में मिल रहा है, तो ये अकल भी होना चाहिए साहब लोगों की, पटना में खोट्ठा का क्यों, ये खोट्ठा का पेपर वहां क्यों नहीं, क्यों मिल रहा है, ये समझिए कि खोट्ठा उन लोगों के लिए टफ है, बिहार वाले यूपी वाले के लिए खोट्ठा टफ है, तो खोट्ठा का पेपर अगर उन लोग कर लिया तो बाकी तो जनरल पेपर ऐसे ही निकाल लेगा, हालांकि सारा क्वेश्चन आउट हुआ है, लेकिन खोट्ठा में खास करके वो लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते, इसलिए खोट्ठा पे टारगेट ज्यादा किया है। क्या करेगी जेबीकेएसएस अगर चुनाव में आती है तो इन सभी जो नियम, हम जिस चीज के लिए, हम किस लिए आए हैं, हमारा अस्तित्व किस लिए, हम विनोद बाबू के सिद्धांतों पर, हमारे जो निर्मल दा के सिद्धांतों पर, हमारे जो बिरसा मुंडा है, हमारे सिद्धू कानू, फूलो जानो, चांद भैरव, ये हमारे संपूर्ण झारखंड की जो एक सपना था उसमें हम पहले बाउंड्री लगाएंगे, और जब हमारे लोग, झारखंडी वो नहीं है जिसने यहाँ पे डाका डाला, झारखंडी वो है जिनके बाप दादाओं ने अपना गर्दन कटा डाला है, ये चीज समझिए, तो जिनके बाप दादा ने अपने गर्दन कटाया है, नौकरी भी उनकी होगी, संसाधन भी उनकी होगी, तो बिल्कुल जेबीकेएसएस यही इसी पे काम करेगी। कहाँ से आए हैं आप? मैं जामतला का रहने वाला हूँ, जामतला जिला से आया हूँ। आपकी तैयारी क्या है जेबीकेएसएस? तैयारी चल रही है, अच्छी चल रही है तैयारी, पंचायत गठन हो रहा है, लोगों को संदेश पहुंचा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है मीडिया भाइयों का, कि आप लोग के वीडियो से भी लोग जान रहे हैं, अपने अधिकार को जान रहे हैं, 1932 क्या है, खतियान क्या है, ये लोग आप लोग के भी माध्यम से जान रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का। इस तरह से पहले जेएमएम को जानते थे कि अलग राज्य के लिए बिहार से, कि झारखंड क्या है नहीं है, अलग झारखंड क्या, ठीक उसी तरह झारखंड निर्माण 1932 या 1947 की मुद्दा लेकर आई है, ये भी कैसे चुनाव में आती है अपना 2-4 विधायक या सांसद बनने के बाद, क्या ये सीमेंट के मामला ही भूल जाएगी? बिल्कुल नहीं, पहली बात देखिए, जेबीकेएसएस जब आई वो दौर कौन सा है, जेएमएम आई थी वो दौर कौन सा था, उस टाइम में हमारे जो पूर्वज थे, नमन करते हैं जो झारखंड अलग करने के लिए अपना, उनको ये पता नहीं था कि 60-40 के आगे आने वाले नालायक लोग भी 60-40 ले आएंगे, या 50-50 ले आएंगे, या कोई दूसरे राज्य का आदमी यहाँ मुख्यमंत्री बन जाएगा, यहाँ के लोगों को शोषण करेगा, तो वो चीजें हमारे जो शहीद हुए हैं या जो जिनका भागीदारी रहा था वो बाउंड्री नहीं दिए थे, आज हम लोग पढ़ लिख के संविधान को जान रहे हैं, जो दूसरे राज्य में नियम नीति है वो अपने पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे, वही चीज हम भी अपने स्टेट में अप्लाई करेंगे।